प्राची, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जब वायुसेना का जो एक ट्वीट आया था कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है कुन्नूर में, तमिलनाडु में, तो उस समय समय था 1:53, और अभी जब 10 मिनट पहले तकरीबन एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को एक खबर दी, तो 4 घंटे से ज़्यादा का पीड़ा से भरा हुआ कसमकस का दौर ये गुजर रहा था, लोग ये जानने को आतुर थे। अजीत, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, और रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनवा देते हैं। वो पायलट्स भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं, आमतौर पे उनकी रेटिंग होती है ए मास्टर बीन का मतलब, जहाँ तक उनकी थियोरेटिकल नॉलेज है बहुत ही उच्च दर्जे की है, और जहाँ तक उनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी है इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग बैड वेदर में, उसके लिए खास तौर पर वो माहिर है। साथ ही साथ उनको लिखित रूप में एयर एग्जामिनिंग बोर्ड क्लियर करता है कि वो VIP और VIP मूवमेंट के लिए काबिल हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर में कोई खराबी नहीं थी। दूसरा, मैं खुद पायलट रह चुका हूँ, 10 साल से मैंने ऐसे ही इलाकों में उड़ान की है, और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है उस इलाके में मैं खुद 1971 में फंसा था, जबकि मेरी फ्लाइट ईस्टर्न इंडिया से लड़ाई जीतने के बाद में जैसलमेर मूव कर रही थी। एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है, आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला है वो भी नज़र नहीं आता, बीकन के बावजूद भी एंटी कोलिजन बीकन, ना पहाड़ी नज़र आती है ना पेड़ नज़र आते हैं, और हम जो फ्लाइंग करते हैं हेलीकॉप्टर वाले वो विजुअल कॉन्टैक्ट करते हैं, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आमतौर पर जब क्लियर वेदर हो तो हम 2000 मीटर ऊपर, 2000 फुट ऊपर की उड़ान करते हैं, पास के से ऊपर से या पहाड़ों से ऊपर से, लेकिन अगर मौसम ख़राब हो जाए तो यू हैव टू गेट डाउन टू मेंटेन विजुअल कॉन्टैक्ट। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्जों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था, पूरी कोशिश कर रहा था किसी ना किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रिवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए, ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो, दो इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या ख़राब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए, अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान के नहीं बचा सकता। तीसरा जो है पायलट एरर, मुझे नहीं लगता ये पायलट एरर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है उच्च दर्जे के पायलट को चुना जाता है, ये देश के लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटका है। बिपिन रावत बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स की मॉडर्नाइजेशन में जुड़े हुए थे, फोर्स की इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस को प्रमोट करने में लगे हुए थे, सारे ही इलाके से चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या चाइना के खिलाफ है उससे वाकिफ थे, बार बार पाकिस्तान और चाइना को वॉर्न करते थे कि अगर किसी प्रकार से हिंदुस्तान को ललकारा तो हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर खुशी की लहर हो गई होगी पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर, और ख़ास करके आतंकवादी आंकों के अंदर जो बिपिन रावत के रडार पर थे। सर, और जिस तरह बताया कि एक बार आप वहाँ पर खुद फंस गए थे, क्या है उस एरिया में ऐसा? सर बेटे, वो एरिया में ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, डीप रिवीन्स हैं, घने जंगल हैं, और कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे अगर एमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। तो सर सिचुएशन ही ऐसी बनी होगी जिसको, जिस तरह आपने बताया कि आधे घंटे से ऊपर तकरीबन टोटल फ्लाइंग टाइम, जहाँ से वो टेक ऑफ हुआ टू वेलिंगटन हेलीपैड, जिमखाना हेलीपैड, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर 33 मिनट्स उस इलाके में रहा। जब 71 में मैं उस इलाके में फंस गया था तो हम तकरीबन 45 मिनट रहे उस इलाके में, और फिर हमको हमारी खुशकिस्मती थी, हमको एक सड़क नज़र आई और हमने उस सड़क के ऊपर तीनों हेलीकॉप्टर को उतार दिया, और बाद में देखा कि वो सड़क नहीं थी, वो डिसयूज दमन एयरपोर्ट था, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि आप जब लैंड भी कर रहे थे आपको ये नहीं पता था कि आप एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो या सड़क पे लैंड कर रहे हो। वेदर आगे भी और पीछे भी दाएं बाएं में एकदम से ख़राब हो जाता है माउंटेंस में। फ्लाइट से पहले उनकी हर प्रकार से 3 प्रकार की ब्रीफिंग हुई होगी, पहले उनके स्क्वाड्रन कमांडर ने ब्रीफिंग दी होगी पूरे मिशन के बारे में, दूसरा उनकी वेदर मेट ब्रीफिंग होती है, मेट ब्रीफिंग में मौसम कैसा है सलूर के ऊपर जहाँ से टेक ऑफ होना, जिमखाना में कैसा मौसम है जहाँ पे लैंड करना है जिमखाना, और तीसरा एन रूट मौसम कैसा है, और अगर फिर लास्ट में ATC क्लियरेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो किसी हालत में आपको क्लियर नहीं करता अगर उसको किसी भी अंदेशा हो कि मौसम ख़राब है। और जो VIP भी है वो आमतौर पर 99% पायलट का जो
डिसीजन होता है उसको कबूल करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि पायलट जो है बड़े उच्च दर्जे के हैं। बिल्कुल, चलिए अब सीधा आपको सुनवा देते हैं कि जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं। उसको देखने का सौभाग्य मिला और मेरे साथ हमारे सांसद कृष्ण कपूर जी जो चंबा कांगड़ा से आते हैं वो भी साथ थे, और सुरेश कश्यप जी। बहुत ही अच्छा लगा, और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए दे ललित जो हमारे चेन ऑफ। तो देखिए, आज एक अपूर्णीय क्षति, एक बहुत बड़ी क्षति है, और आज पूरे देश में शोक है, पूरा देश आज स्तब्ध है, क्योंकि इस खबर की कल्पना भी नहीं की गई थी। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ पी के सहगल। बार ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक थे, बर्न इंजरीज मिली थी, लेकिन उनका हार्ट टेयर हो चुका था या लंग टेयर हो जाते हैं। तो सर, प्लेन को उसमें कोई खामी नहीं है, लगता है कि शायद उसमें खामी नहीं थी, लेकिन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि वो बैड वेदर का शिकार हुआ है। तो देखिए, लगातार जो रिएक्शन है आज पूरे देश के सामने आ रहे हैं, और सीधा